हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली इस गेम के अंदर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का इवेंट आ चुका है, जिसके लिए सब लोग बहुत ज़्यादा दिन से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए भाई 300 रुपये डायमंड का गिफ्ट कोड भी आया था, पर वो चले भी गया था। तो देखते लोग बोल रहे थे कि इस इवेंट के दौरान आएगा, गिफ्ट कोड वापस मिलेगा, पर भाई नहीं मिलने वाला था, मेरे को पता था पहले से, और देख लो नहीं मिला। और जो इवेंट ये लोग ने ऊपर नाम देखो समर कार्निवल नाम दिया, लास्ट टाइम भी ऐसे इवेंट आया था, और उसके अंदर जो जो मेन इवेंट्स होते नाम अलग है, एनिमेशन अलग है, इवेंट पूरे के पूरे सेम है। तो मैं आपको सारे इवेंट के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, पर इस बार लोग ने एक हल्का सा चेंज किया जो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस गेम के अंदर का, जो भी मैं आपको बताते रहूँगा उस इवेंट के बारे में जब पहुँचूंगा। तो सबसे पहले अपना इवेंट है टर्नेबल, ठीक है। टर्नेबल के अंदर अपने को सिलेक्शन पैक मिलेगा, पर एक टिकट 100 रेनबो डायमंड की है। तो भाई 100 रेनबो डायमंड की एक टिकट है, पर मेरे पास एक तरीका है जहाँ से आपको ये टिकट फ्री में मिलने वाली है। 8, 9, 10 जितनी भी टिकट चाहिए तुम लोगों को वो टिकट फ्री में मिलेगी, तो मैं वो आपको वीडियो के आगे तक बताते रहूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पे 3 हेल्ड आइटम दिए है इसके अंदर, तीन सीडी दिए इसके अंदर जो अपन सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे से इसके सिलेक्शन पैक में से। तो ये अपना सिलेक्शन पैक है टर्नेबल वाला जो RD से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए तो टिकट लगेगी, टिकट के लिए अपन चले जाते हैं अगले इवेंट में। यहाँ पे अपन आ गए एनिवर्सरी सेलिब्रेशन एक्सचेंज इवेंट के अंदर। एक्सचेंज इवेंट में क्या है कि वाटरमेलन की आइसक्रीम है जो अपना एज अ कॉइन यूज होता है इस बार में, और यहाँ पे क्या है कि एडवेंचर में बैटल करोगे तो तुमको एक कॉइन फ्री में मिलेगा, और यहाँ की सारी चीज़ें खरीदने के लिए यही लगता है। और एक दूसरा उसके बाजू में दिख रहा है बड़ा डिब्बा, वो डिब्बा है, पर वो डिब्बा है पेड प्लेयर लोग के लिए, पैसे वाला डिब्बा है वो, तो उसको अपन इग्नोर करेंगे, अपन फ्री वाले पे जाएंगे, एडवेंचर के आएंगे। आपको बैटल करना है बैटल करो, अगर लेवल आपका हाई है या फिर आपको कोई भी पुराने लेवल पे चला है जिसको आपने डिफीट कर चुके हैं, सिंपली स्वाइप स्वाइप करो, आपका स्टेमिना जाएगा, पर उसके जो रिवॉर्ड्स होते हैं लेवल क्लियर करने को आपको मिल जाएंगे। तो मैंने वो किया और मेरे को यहाँ पे उसके बदले रिवॉर्ड्स मिल गया होगा, जो कि होगा मेरा ये कलिंगड़ वाली आइसक्रीम। तो रिवॉर्ड लेके मैं आ गया। यहाँ पे दो चीज़ तुम लोग बहुत ध्यान से खरीदना है सारे इवेंट के अंदर। पहले तो देखो यहाँ से जो 5 टिकट है मेरे को यहाँ पे फ्री में मिल गई इससे ही, और एक ये इसका जो ट्रिक पैक होता है, ठीक है, ये ट्रिक पैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5 टिकट फ्री में मिली, ये अगर मेरे हिसाब से डेली मिलेगी तो डेली आपको ये 5 टिकट फ्री में मिलेगी। और जो उसके बाजू में बताया था मैंने जो दोनों चीज़ खरीदा, ये दोनों चीज़ फ्री वाली है तो उसको ज़रूर खरीदना। उसका क्या फ़ायदा देखो यहाँ पे, देखे यहाँ पे अपन आ गए। अब मेरे पास यहाँ पे 8 टिकट है, एक टिकट 100 रुपये की और मेरे पास 8 टिकट, यहाँ पे मैंने 800 रेनबो डायमंड को मैंने बचत कर लिया और मेरे 800 रेनबो डायमंड बच चुका है। तो अगर तुम लोग ये इवेंट में घुसोगे डिसेबल रेनबो डायमंड में क्लिक करके बाय बाय कर दोगे तो भाई तुम लोग का अच्छा खासा वेस्ट हो जाएगा रेनबो डायमंड। वैसे वेस्ट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गेम के अंदर की रेनबो डायमंड की, तो वैसे कर सकते हो। और जो बच्चे कुछ पैसे है उसके अंदर से तुम लोग पोकेबॉल खरीद सकते हो या फिर समरिंग टिकट खरीद सकते हो। बुक्स का भी ऑप्शन है, पर उसके ऊपर जो जो है वो सारे पेड ऑप्शन है, जिसके अंदर लोग ने प्रीमियर राइगो या फिर मेगा राइगोजा वैसे करके मेगा डाल गया वैसे पोकेमॉन दिया जो पेड प्लेयर के। फिर यहाँ पे ये इवेंट है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि लिख के आ रही कि जावेद एंजो बेटर को आइसक्रीम मिलेगी, तो ये है। फिर यहाँ पे है विश लिस्ट, और विश लिस्ट में भाई यहाँ पे थोड़ा क्या बोलूँ, अच्छी खबर नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब इन लोग ने अच्छी खबर दी है कि हाँ भाई विश लिस्ट डाल दिया, पर अच्छी खबर को जितनी बुरी बना सकते थे ना, इस अच्छी खबर को लोग उतनी बुरी बना के दिए, क्योंकि यहाँ पे जो विश लिस्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ डिट्टो पोकेमॉन का विश लिस्ट आया है। यानी कि तुम लोग विश लिस्ट में पोकेमॉन तो डाल सकते हो, पर ये तुम लोग के ऑप्शन है जिस जो पोकेमॉन को तुम लोग विश लिस्ट में डाल सकते हो। तो मतलब यहाँ पे तुम लोग को सब डिट्टो मिलेगा, पर यहाँ पे आप नेचर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नेचर 4 गया, नेचर 3, 4, 5, मतलब 3, 4 या मैक्स 5 हुआ मैक्स अपना, ये 3 नेचर के मेरे हिसाब से आपको पोकेमॉन मिलेंगे इसके अंदर से, डिट्टो मिलेंगे इसके अंदर से। नेचर अच्छा ही मिलता है हमेशा डिट्टो पोकेमॉन का इसके अंदर से। तो भाई ये सामान सिर्फ और सिर्फ किसी पोकेमॉन के अच्छे नेचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मेगा ब्रेफ का नेचर नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी अपना ग्लूमी से लेके ब्रेफ तक बाकी सारे के सारे नेचर अवेलेबल मिल जाएंगे, पर मेगा ब्रेफ नेचर इधर से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे विशलिस्ट है, तो आप यहाँ पे म्यूटू नहीं डाल सकते, काइग्रो, डेडपूल, पिकाचू, जिराची, ये सब पोकेमॉन कोई भी पोकेमॉन आप विशलिस्ट में नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ डिट्टो डाल सकते हो जो यूज़ होने वाले आपके पास जो पहले से पोकेमॉन है उसका स्टार अप करने या फिर उसका उसके लेवल को उसके नेचर को चेंज करने। यहाँ पे लास्ट है अपना समन रैंकिंग के क्या, यहाँ पे रैंक करोगे फिर वही वाला है कि आपको डिट्टो के स्टार मिलेंगे, आपको डिट्टो सिलेक्ट करने को मिलेगा। और समन रैंकिंग का क्या है, लोग ने किस हिसाब से लोग ने समन रैंकिंग रखी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स के रिवॉर्ड भी बता रहे, ठीक है, तुम लोग को पर्पल डिट्टो के स्टार मिलेंगे, पर क्या ये समन रैंकिंग जो लोग ने बता रहे वो रैंकिंग किस समनिंग पे काम करेगी, ब्लू टिकट समनिंग, नॉर्मल टिकट समनिंग या फिर रेनबो डायमंड समनिंग, तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये समनिंग है जिसके रिवॉर्ड में अपने को ये डिट्टो वाला शार्ड मिलना है, यहाँ पे पढ़ सकते हो, एक एसपी डिट्टो पढ़ सकते हो, एक एसपी डिट्टो ले सकते हो लेवल 4 के नीचे के साथ, ऐसे सिलेक्ट कर लोगे अगर टॉप में आओगे तो भी अच्छा रिवॉर्ड है ये। तो अपन इसको चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल समनिंग से भी ये वर्क करेगा कि नहीं। मेरे पास 130 है तो 10 समनिंग करके देखता हूँ कि नॉर्मल समनिंग का उधर पे काउंट होने वाला है कि नहीं। अगर नॉर्मल समनिंग का काउंट है तो मेरे सबसे अच्छी बात रहेगी, अगर तुम लोग ऐसे कर ले तो तुम लोग को एक लेवल 4 का डिट्टो ऐसे मिल जाएगा जो मेरे हिसाब से तुम लोग को एसपी में मेहनत करके मिलने वाला है। इसमें एसपी मिलता है, पर इसमें एसपी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से,
पर नेचर चार का कोई भी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपन ने स्पिन कर लिए, अब जाके देख लेते कि ये जो स्पिन किया मैंने इसके पॉइंट्स काउंट होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे अपन आकर समन रैंकिंग में क्लिक किए, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो अनरैंक बता रहे क्योंकि 10 ही और कोई इधर पे है नहीं, इतनी जल्दी रैंक में नहीं आता। रैंकिंग में आने के लिए भी कुछ इसका स्पेसिफिक स्कोर करना पड़ता है, 20 करना पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उधर पे मिनिमम 20 का बता रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो नॉर्मल समनिंग का भी काउंट हो रहा है, तो नॉर्मल समनिंग से भी अपना ये काउंट होगा। तो सारे इवेंट इस गेम के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको ये इवेंट एनिवर्सरी इवेंट इस बार का कैसा लगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।